तुम इस तरह कब तक यहां रहोगे? अब चलो मेरे साथ और घर पर रहो। क्यों मामा, कोई बात हुई है क्या? सुबी को शक हो रहा है। तुम्हारा इस तरह घर से गायब रहना और इस बच्चे के आसपास रहना इस शक को और हवा दे रहा है। वो सारा वक्त तुम्हारे और मेरे टो में लगी रहती है। उसको तो यकीन है कि तुम इस्लामाबाद गई नहीं। मामा, इस लड़की को कुछ ज्यादा ही नहीं मेरी फिक्र होने लगी? खोज लगा रही है वो कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आई हूं। चलो मेरे साथ। जानती हो उस दिन मुसरत ना आती तो वो वकार के साथ बच्चे को लेने आ रही थी। पता नहीं अल्लाह मियाँ ने मुसरत को गैबी मदद बनाकर भेज दिया, उसी की वजह से तो वकार का इरादा बदल गया। मामा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुसरत पुप्पो सूबी के खिलाफ जाकर ऐसा कर सकती है। मुझे तो खुद अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मुसरत ऐसा भी कर सकती है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि लोग बदल भी तो जाते हैं ना, शायद वो बदल गई है। हो सकता है, शायद ठीक कह रही हैं। लेकिन हमें होशियार रहने की जरूरत है। जूबी तो इस बात के पीछे पड़ी हुई है। मुझे तो बस यही डर लग रहा है कि तुम्हारी शादी से पहले कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। क्या हो गया मामा, आप मेरी शादी को भूल नहीं सकती। मामा प्लीज मुझे शादी से बचा लीजिए, मुझे नहीं करनी शादी। बेवकूफी की बातें मत करो बेटा। खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया, मैं ना रही, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी दोजख बन जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। मामा क्यों क्यों मुझे डराने वाली बातें कर रही हैं आप? मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम डर जाओ। डर जाओगी तो शायद अपने तहफ्फुज़ का सोचोगी। इसलिए बेटा उठो और तैयारी कर लो, चलो मेरे साथ घर। मैं तब तक बिरसा की माँ के साथ थोड़ा टाइम गुजारती हूँ। ठीक है। हम गए, फिर उधर से रेस्टोरेंट से जब निकले वापस आकर, याद है रेस्टोरेंट में जब तुमने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था और उसकी क्या है, जब से आई हो देखे जा रही है मुझे। भाई वैसे लड़कियों को ना इतना आशिक मिजाज नहीं होना चाहिए। क्यों, आशिकी के सारे राइट्स लड़कों ने अपने नाम लिखवा लिए। लड़कियां भी इंसान होती हैं, उनके पास भी दिल होता है, उस दिल में भी धड़कनें होती हैं और धड़कनों में भी एहसास होते हैं। अच्छा बस बस बस, थोड़ी सांस ले लो यार। वैसे तुम दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही गहरी बातें नहीं करने लगी, नोट किया तुमने? और माशाल्लाह कुछ ज्यादा ही चहक भी रही, पर उस दिन तुम इतनी सी बात पे रो पड़ी थी, याद है तुम्हें? हमेशा ही चहकना चाहती हूँ। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे चहकने देते हैं या फिर रुला देते हैं। पता है मैं इतनी देर से क्या देख रही थी? बिला वजह मैं खुश हो रही थी कि शायद आप मेरे साथ हैं। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हमारे अलावा और कोई तीसरा नजर आ रहा है? तो फिर खाए मेरी कसम, आपके और मेरे अलावा यहाँ कोई तीसरा नहीं है। वो अच्छा छोड़े ना, आप क्या विरसा का बेटा देखने गए थे? ऐसे क्या देख रहे हैं, मुझे भी जाना है विरसा का बेटा देखने। आप लेके चलेंगे मुझे? मेरे साथ जाना जरूरी है, तुम मम्मी के साथ चले जाना। क्यों, मैं आपके साथ क्यों नहीं चल सकती? मुझे आपके साथ ही जाना है, आप लेके चलेंगे मुझे? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम मेरे साथ भी चल सकती हो। थैंक यू। चले चली गए वो दोनों।
बच्चे। बेटा ये सब कुछ कब तक चलेगा? तुम इस बच्चे को अकेले पालो, मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा है। जब तक बात एमन की थी तो मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो उसकी अम्मी इधर आती है तो मेरे जख्म हरे हो जाते हैं। आपको क्या हो गया? ये किस किस्म की बातें कह रही हैं आप? तुम अच्छे से जानती हो बेटा कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे से और उन लोगों से जान छुड़ा लो। आप शायद भूल रही हैं कि यह फंदा आप ही ने मेरे गले में डाला है। जानती हूँ बेटा, ये गलती मुझसे ही हुई है, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारी जान इस फरमान से छुड़ाना चाहती थी। तो अब क्या हो गया आपको? अगर आप तब मेरी जान फरमान से छुड़वाना चाहती थी तो क्या अब आप मुझे उससे नहीं बचाना चाहती? चाहती हूँ बेटा, जरूर चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे करूं, क्या करूं। एक नई जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार करना। कौन सी जंग, कैसी लड़ाई? तुम्हारी ताई ने कहा था कि सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे तुम्हारे अब्बू की जिंदगी में चल रहा था। उन्होंने कहा और आपने मान लिया? हाँ शायद, सब कुछ वैसा नहीं है जैसे हम समझ रहे। आप ना बहुत भूली हैं अम्मी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप इन्हीं लोगों की बातों पे यकीन कर रही हैं। अगर मुझसे पूछे ना तो फरमान में मुझे जरा से भी अच्छाई नहीं नजर आती। फिर बेटा बताओ तुम क्या करोगी? सोचा नहीं, लेकिन जो भी करूंगी पूरी तैयारी के साथ करूंगी। मैं बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए बेटा? ये दो दो लड़ाइयां तुम एक साथ नहीं लड़ सकती। तुम्हें पहले अपने आप को एक से आजाद कराना होगा। कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं? रास्ता है बेटा, लेकिन शायद तुम्हें नजर नहीं आ रहा। देखो बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम वकार को ना सब कुछ सच सच बता दो और उससे अपनी जान छुड़ा लो। तो समझ में नहीं आता अम्मा। समझ में नहीं आता इस घर में हो क्या रहा है। इस आदमी ने अपने को ना किंडरगार्टन बना के रख दिया। कभी इसकी माँ आ रही है, कभी इसकी बहन आ रही है, तो पता नहीं किस औरत को भेजा उसने। अरे भाई, विरसा उसके बच्चे की माँ है, वो जितना भी करे उसके लिए कम है। तुम्हें क्या लगे किसी को भेजे ना भेजे, कोई आए ना आए, तुम ऐसी? अम्मा बड़ी हिमायत कर रही है उनकी, पार्टी तो नहीं बदली तुमने? अरे ना किसी की हिमायत कर रही हूँ ना ही पार्टी बदली है, यूं समझो कि पार्टी खुद ही बदल चुकी है। अरे मेरी माँ कभी आसान लफ्जों में भी समझा दिया करो अपनी बात। पार्टी बदली नहीं है, पार्टी बदल ली है। क्या पार्टी पार्टी कर रही हो तुम? अरे आसान लफ्जों में सुनेगा ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। बस जरा मुझे अपना शक दूर कर लेने दे। करो तुम अपना शक दूर करो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारे भेजे में क्या फकर है। ये जो बच्चा है ना, ये विरसा का नहीं है बल्कि उसकी नंद एमन का है। अगर मेरा शक सही निकला तो। वाह माँ, क्या दूर की कौड़ी लाई हो तुम, ये खबर तो चारों तरफ आग लगा दी। हाँ, लेकिन मुझे जरा पूरी इसकी तफ्तीश कर लेने दे, हौसला रख ले, ऐसा ना हो कि मेरा शक गलत हो जाए। हाँ सही और गलत का तो पता नहीं अम्मा, लेकिन इस बार ऐसा जुआ खेलूंगा ना मैं, सीधा जैकपॉट लगेगा मेरा। यार क्या क्या लगे? जैक रहने दो अम्मा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बस तुम ये समझो कि तुम्हारा बेटा ना पैसों में खेलेगा, पैसों में।
अल्लाह करे